नमस्कार आदाब, आप देख रहे हो ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। आज से ठीक दो दिन पहले मीरा रोड के रहने वाले 28 वर्षीय विशाल गोस्वामी को जब वो डीसीपी ऑफिस में कुछ शिकायत लेकर आए थे, उसी दौरान उन्हें क्राइम यूनिट 1 की टीम ने उठा लिया, इंट्रोगेशन के लिए अपने हिरासत में लिया। और हिरासत में लेने के बाद में जो बातें उसने बताई, उसके बाद में पुलिस काफ़ी एक्टिव हुई है और उसके चलते पुलिस ने ऐसे आरोपी को धर दो पहुंचा है जो कई सालों से कई सारे पुलिस थानों से फरार चल रहा था। क्या है पूरा मामला, आइए हम जानते हैं उसी नौजवान से जिसे पुलिस ने क्राइम यूनिट ने उठाई थी इस डीसीपी ऑफिस के बाहर से दो दिन पहले। हमारे साथ में इस पर बात करने के लिए विशाल गोस्वामी हैं। विशाल गोस्वामी जी, बताइए क्या हुआ था दो दिन पहले और क्यों आपको पुलिस ने उठाया था यहीं से? सर, 6 दिसंबर को हम यहाँ पे आए थे, मैं यहाँ पे आया था डीसीपी ऑफिस पे एक कंप्लेन लेके अशरफ खान के कुछ खुलासे करने के लिए। तो वहाँ पे जैसे मैं आया तो विजिटर्स का लाइन था और वेटिंग थी, तो मैं बाहर खड़ा था चाय पीने के लिए। सडन मुझे मालूम पड़ता है कुछ ऑफिसर आते हैं, मुझे किसका वहाँ पे मुझे बोले आपका नाम क्या है, बोले विशाल गोस्वामी, बोले आपका इंक्वायरी, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। तो मैं कॉपरेट किया, मैं बोला सर मुझे डीसीपी सर के यहाँ पे विजिट है, एक अर्जेंट काम है। बोले नहीं, पहले आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। मैं वहाँ पे गया, फिर उन्होंने मुझे बताया किसी इशिका ठाकुर बुल के नाम से मेरा एक तलवार का फोटो था टिकटॉक पे। तो मैंने उनको बताया सर ये टिकटॉक बैन हुए 3 ईयर हो गया है। थोड़ा मैं आपको रोकूंगा, मतलब आपको यहाँ पर से उठाकर किस बात को लेकर यहाँ से लेकर गई थी पुलिस ने, किस कारण? कारण तो बताया रहेगा ना आपको? नहीं, कारण मुझे नहीं बताया, बोला आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ। वो टाइम पे मुझे पता नहीं था। तो फिर वहाँ गया, फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये फोटो है आपकी इशिका ठाकुर बुल करके, मतलब उनके पास में आपकी कोई तस्वीर मौजूद थी जिसमें आपके साथ में कुछ तलवार वगैरह दिखाई दे रही थी। हाँ, उन्होंने आपको दिखाए थे ना फोटो जी? उन्होंने बताया कि ये टिकटॉक, तो मैंने बताया सर कि ये टिकटॉक बैन हुए 3 ईयर हो गया, प्लस ये फोटो मेरी आईडी से अपलोड नहीं है। और जिन्होंने मुझे वेपन, जिसका वेपन था, तो मैंने उनका नाम बताया। फिर बोले किसका था वेपन? हो MD कैफ नासिर मलिक करके है, जो कि मीरा भाईंदर में ड्रग्स पे बहुत बड़े पेडलर है और उनके ऊपर मल्टीपल केसेस है, जिनकी इंफॉर्मेशन मैंने बहुत से सुपीरियर ऑफिसरों को दिया, बट कैसा है अशरफ खान के इन्फ्लुएंस की वजह से कुछ नहीं हो रहा है। फिर मैंने एक्चुअली क्राइम यूनिट को जब ये सारी बातें बताई तो उन्होंने उस चीज़ को निष्पक्ष जांच किया। मेरे पहले पूरा उन्होंने मेरा पूरा देखा, बाद में उन्होंने MD कैफ नासिर मलिक को बुलाया और उसके बाद जो उन्होंने इंक्वायरी किया तो उनको मालूम पड़ा ये तो फरार आरोपी है, बहुत जगह से उसको बहुत जगह से वो फरार है। उन्होंने वहाँ पे उसको अरेस्ट किया, उनको बोरीवली रेलवे में, जो कि मोबाइल चोरी, MD कैफ नासिर मलिक एक्चुअली पहला सर मोबाइल चोरी करता था रेलवेज में, उसके बाद अभी यहाँ मीरा लोकल ट्रेनें जो हुआ करती उसमें जी लोकल ट्रेनों में अभी जो है सर उसका मीरा भाईंदर में सबसे बड़ा ड्रग्स पेडलर का बिजनेस है, जिसकी वीडियो भी मैंने क्राइम यूनिट के साथ शेयर की। तो मैं एक्चुअली दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि अगर मुझे उठाए, मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मैंने एक फरार आरोपी का पर्दाफाश किया। क्राइम यूनिट का कुराडे सर और कैलाश सर है वहाँ पे, उन्होंने इतना नीट एंड क्लीन इन्वेस्टिगेशन किया, क्योंकि मैं निर्दोष था इसके लिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया, और ये आरोपी था इसके लिए और भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है। बट मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जब आप दो दिन पहले यहाँ पर आए थे शिकायत लेकर, लिखित शिकायत लेकर, वो किसके खिलाफ में लिखी शिकायत थी और क्राइम यूनिट को कैसे पता चला कि आप इधर डीसीपी ऑफिस में पहुंचे हैं? क्या इसके पीछे लॉजिक क्या है, थोड़ा आप खुलकर बता पाएंगे? कुछ समझ में आया आपके? सर, ये जो अशरफ खान है, मैं पहला ये मेरे बॉस थे। अशरफ खान के बारे में थोड़ा बताइए, आप बार बार उनका जिक्र कर रहे हैं, कौन है ये व्यक्ति, क्या करते हैं और क्या इनका नेटवर्क है? ये एक्चुअली सबसे सर मीरा रोड के या फिर जहाँ के भी बॉम्बे के बाहर के सब लोग है, ये ब्यूरोक्रेसी में अच्छे कनेक्शन रखते हैं, बड़े से बड़े सुपीरियर ऑफिसरों के साथ में अच्छे कनेक्शन है इनको, और ये लोगों से गलत काम कराते हैं, उनकी फोटोएं दिखा के उनसे मिला के कि ये साहब मेरे दोस्त है, वो साहब मेरे दोस्त है। तो मुझे भी उन्होंने पहले उनका कुछ काम था, मुझे मालूम नहीं वो, मतलब जो पुलिस डिपार्टमेंट के हो या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ब्यूरोक्रेट जो हो, कि वो बड़े बड़े अधिकारियों को वो कुछ तस्वीरें दिखाते, ऐसा आपका कहना है कि वो बताते कि इनके रिलेशन अच्छे? जी, इनका सबसे रिलेशन अच्छा है। पास्ट में सर ये मेरे बॉस थे, मैं इनके लिए काम करता था, मुझे मालूम नहीं इनका क्या बिजनेस है। ये मुझे बोलते थे ATM से विड्रॉल कर लो, मैं जाता था ATM से विड्रॉल करने, जिसका विड्रॉल करने के ऊपर मुझे ऊपर 6 केसेस हो गए सर।
तो जब मुझे मालूम पड़ा ये गलत आदमी है, मैं इनका साथ छोड़ना चाहता हूँ, अब ये मुझे पूरी तरीके से या तो मेरे पर जानलेवा हमले करवा रहे या मुझे झूठे केसों में फंसा रहे। मेरे लॉयर ने डीसीपी सर से यहाँ पे बात किया तो उन्होंने बोला किसी वरिष्ठ सीनियर ऑफिसर का उनको फोन आया ब्यूरोक्रेट्स का, जिसमें उन्होंने ये फोटो दिया और बोला ये आपराधिक गतिविधियों से इन्वॉल्व है। मैं जैसा आया मेरे एक घंटे पहले सर अशरफ खान का यहाँ पे एंट्री था, तो अभी वो चाहते नहीं कि मैं सुधरूं, और उनका तो सर उनका बिजनेस है लोगों से पैसा कमाना। तो क्या ये माना जाए कि जिस वक्त आपको क्राइम यूनिट ने उठाया था उसके कुछ देर पहले यहाँ पर अशरफ खान आए थे और उन्होंने पूरा ये सेटअप लगा के रखा था आपके आपको उठाने को लेकर या आप पर कार्रवाई करने को लेकर? सर उनका पूरा प्लान था मुझे हैरेसमेंट करके या फिर मुझे जेल भेज। अब मैं सुधरना चाहता हूँ तो वो मुझे सुधरने नहीं देना चाहता। आप पर भी कई सारे केसेस है जो है, तो आप लोग भी इन्हीं सब लोगों के साथ में पहले साथ में रहा करते थे, उनके साथ में उनके साथ में जो उनकी जो गतिविधियां उसमें शामिल हुआ करते थे। सर मुझे तो केसेस का कुछ पता ही नहीं, आप मेरे बॉस हो समझो, और आपने बोला एटीएम से पैसा निकाल दो, और उसके केसेस अगर मेरे ऊपर होते तो मेरे तो हर केस के बॉस वही है ना सर। लेकिन उन्होंने बोला ठीक है मेरा नाम मत दो, हर जगह से एब्सकॉन्डिंग है वो अभी भी, और बहुत सारी चीजें हैं सर। लेकिन अभी मैं सुधरना चाहता हूँ, मुझे सुधरने नहीं देना चाहते, या तो मेरे ऊपर जानलेवा हमले करवा रहे या फिर मुझे झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनके बहुत सारे अधिकारियों से संपर्क है, अभी ये क्या बोलते हैं सीपी सर चले जाएंगे तो पाठक सर करके कोई यहाँ पे एडिशनल कमिश्नर है, जबकि वो बहुत इनोसेंट और बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन क्या है कि उनके नाम से लोगों को डरा के कि हाँ लाओ तुम दो नंबर का काम करो जो है मैं संभालता हूँ। मलिक भी बहुत अच्छा लड़का है सर, वो मेरा दोस्त है, मैं उसके बारे में अच्छा तरीके से जानता हूँ। उसको इन्होंने बोला, वो तो ड्रग्स का बिजनेस छोड़ दिया था, फिर इन्होंने बोला नहीं तुम ड्रग्स का बिजनेस करो, एडिशनल कमिश्नर मेरे है, डीसीपी सर मेरे है, सब मेरे है, तुम लाख रुपए महीने का दो, जिसका मैंने स्टेटमेंट दिया हुआ है सर। ये सारी चीजों का कल मैं खुलासा करने आया था, उनको मालूम पड़ा उनके इन्फ्लुएंस से और मुझे ही हरेसमेंट करने की कोशिश की। मतलब अशरफ शेख इतने पावरफुल व्यक्ति है, क्या वो ड्रग्स का यहाँ पर कारोबार उन्होंने जाल बिछा के रखा है, मतलब वो खुलेआम करने दे रहे हैं, और उनके जो इन्फ्लुएंसेस है जो रिलेशन है पुलिस आला अधिकारियों के साथ में, उसका क्या वो ऐसे फायदा उठा रहे हैं? सर वो बहुत बुरी तरीके से फायदा उठा रहे हैं, और ऑफिसर लोग को तो मालूम भी नहीं ये क्या करते। आपको लेके गए ऑफिसर को बुलाए एक फंक्शन में, किसी एसीपी साहब को या फिर किसी डीसीपी साहब को या किसी एडिशनल कमिश्नर, उनको ले गए, उनके नाम से लाख रुपए ले लिया, 50,000 रुपए ले लिया। और सर बेसिकली देखेंगे तो इनका बिजनेस क्या है, और ये तो है सिंगर, सिंगर का क्या पेमेंट रहता है सर आपको भी पता है। लेकिन ये जो इनकी दो नंबर की दुनिया है, आज मैं दो नंबर काम छोड़ के इनसे दूर होना चाहता हूँ कि मेरे को आपके साथ में रहना नहीं, आपका शक्ल नहीं देखना, तो ये मुझे बुरी तरीके से फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, या तो मुझे जेल भेजना चाहते हैं या तो मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं हर बार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यह है 28 वर्षीय युवक विशाल गोस्वामी जो जुर्मों की दुनिया से उभर कर एक अच्छी शुरुआत करना चाह रहे हैं, नई जिंदगी की शुरुआत करना चाह रहे हैं। दो नंबर यानी जो काला कारोबार हुआ करता था वहां पर ये साथ में रहकर काम किया करते थे, लेकिन अभी इनका मानना है कि उन्हें उस दलदल से निकलने के लिए उन्होंने जो कोशिशें की है उसमें वो सफल हुए हैं, लेकिन उनके पिछले जो पुराने जो साथी वो नहीं चाहते हैं कि ये उस दलदल से बाहर रहे। जिस तरह से दो दिन पहले क्राइम यूनिट की टीम ने विशाल गोस्वामी को इसी डीसीपी ऑफिस के बाहर से उठाया था और पूछताछ करने के बाद में उन्हें छोड़ दिया गया है, तो उस पूछताछ में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि एमडी फैसल मलिक जो कई मामलों में फरार आरोपी बताया जा रहा था उसे क्राइम यूनिट ने गिरफ्तार करके कंसर्न पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया है और अब हवालात में है। अब ऐसे में मीरा भाईंदर शहर में क्या इतना बड़ा ड्रग्स का नेक्सस चल रहा है जिसे कहीं ना कहीं पुलिस के आला अधिकारी जिनकी जानकारी में नहीं है लेकिन उनके तस्वीरें दिखाकर या उन्हें अपना दोस्त दिखाकर इसके पीछे जो षड्यंत्रकारी है वो क्या ऐसे कारोबार को चला रहे हैं, ऐसे कारोबार को अंजाम दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। और इसमें हम इस खबर के माध्यम से पुलिस के तमाम आला अधिकारियों से मांग करते हैं, उनसे अपील करते हैं कि जिस तरह से विशाल गोस्वामी ने जो बयान दिया है हमारे सामने कैमरे के सामने जो स्टेटमेंट दिया है उसकी जरूर जांच होनी चाहिए। क्या वाकई में मीरा भाईंदर शहर में ऐसा ड्रग्स का कारोबार चल रहा है और कारोबार चलाने वाले कहीं ना कहीं पुलिस के आला अधिकारियों के साथ में उनका उठना बैठना है, इसकी भी जाँच होना चाहिए और उन लोगों पर पुलिस को कड़ी नजर रखना चाहिए कि कहीं उनके साथ में रहने वाले बाहर
गलत फायदा तो नहीं उठा रहे हैं, लोगों से गलत कार्रवाई को अंजाम तो नहीं दे रहे या गलत गतिविधियों में शामिल तो नहीं है, इसकी भी निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। आखिर में जाते जाते मैं इस खबर के माध्यम से अशरफ खान से भी अपील करना चाहूँगा कि वो भी अपना पक्ष रखे हमारे माध्यम से, उनका क्या कहना है। उन पर आज जो आरोप लग रहे हैं कि उनका ड्रग्स के कारोबार में संलिप्तता है, शामिल है, क्या ये सच है या झूठे एक प्रोपगेंडा है, इस पर भी उन्होंने खुलासा करने की जरूरत आन पड़ी है। देखना है कि क्या अशरफ खान वाकई में हमारे कैमरे के सामने आते हैं और अपनी बात रख पाते हैं, आने वाले समय में पता चलेगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिशिक के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।